जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के दो अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी शहीद हो गए। मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट गोलीबारी में इनकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बीते कुछ सालों में टीआरएफ ने कश्मीर में कई जघन्य आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है। कश्मीर में इसकी शुरुआत 2019 में हो चुकी थी। माना जाता है कि घाटी में तमाम कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की वारदातों के पीछे इसी संगठन का हाथ देखा जाता है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत आतंकी संगठन टीआरएफ को इसी साल प्रतिबंधित किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में टीआरएफ सुरक्षा बलों को खटक रहा है। माना जाता है कि टीआरएफ के आतंकवादी बुधवार की फायरिंग में शामिल थे, जिसमें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सेना के कर्नल, एक मेजर और पुलिस के एक डिप्टी एसपी की जान चली गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये टीआरएफ क्यों बनाया गया, क्या जरूरत थी? याद हो कि पाकिस्तान पर काफी लंबे समय से दबाव था वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी कि एफएटीएफ की ओर से आतंकी फंडिंग करने का। इस पर पाकिस्तान से काफी लंबे समय से सफाई मांगी जा रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग के लिए पेरिस स्थित निगरानी संस्था ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। पाकिस्तान लश्कर ए तैयबा और उसके प्रमुख हाफिज सैयद की मदद करते हुए नहीं दिखना चाहता था। फंडिंग और समर्थन को छुपाने के लिए पाकिस्तानी मशीनरी और उसके आतंकी नेटवर्क ने द रेजिस्टेंस फ्रंट ग्रुप को बना दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का कहना है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट वास्तव में खतरनाक आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का ही एक रूप है। लश्कर ए तैयबा पाकिस्तानी सरकार की मशीनरी के सक्रिय समर्थन से विकसित हुआ, वही समर्थन अब इसकी शाखा टीआरएफ को मिल रहा है। इस साल जनवरी में सरकार ने यूएपीए के तहत इस आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके कमांडर शेख सज्जाद गुल को यूएपीए की चौथी अनुसूची के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया। श्रीनगर के रोज एवेन्यू कॉलोनी के रहने वाले गुल पर जून 2018 में कश्मीरी पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की साजिश के पीछे होने का भी संदेह जताया गया था। टीआरएफ सुरक्षा बलों के कर्मियों और निर्देश नागरिकों की हत्याओं की योजना बनाने, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने के लिए हथियारों की तस्करी, आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की घुसपैठ और पूरे देश से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल रहा है। आपको बता दें कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हाल ही में कश्मीर में अधिकांश हमलों की जिम्मेदारी ली। ये ज्यादातर लश्कर ए तैयबा के फंडिंग चैनलों का इस्तेमाल करता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2022 की अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा था कि 2022 में कश्मीर में सुरक्षा बलों के 90 से ज्यादा ऑपरेशनों में 42 विदेशी नागरिकों सहित 172 आतंकवादी मारे गए। इनमें से अधिकांश 108 द रेजिस्टेंस फ्रंट या लश्कर ए तैयबा के थे। साथ ही आतंकवादी समूहों में शामिल होने वाले 100 लोगों में से 74 को टीआरएफ में भर्ती किया गया था, जो आतंकवादी समूहों से बढ़ते खतरे को दर्शाता है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषय पर खबर उपलब्ध है। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।